मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत की एकमात्र सही क्रांतिकारी पार्टी है, उसका मैं सूरत जिला सचिव हूँ। अभी 115 शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती जो 28 तारीख को गई थी, उसके एक सप्ताह का जो हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं, इसी अंतर्गत पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नौजवानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ डिंडोली में भी साई पॉइंट पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, जिसको लेकर सरकार एकदम उदासीन है। आज पेट्रोल डीजल के भाव बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बिजली के भावों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ डिंडोली में भी जो लोगों के सवाल हैं कि कॉरपोरेशन द्वारा सुविधा नहीं है और बिजली विभाग का एकदम लापरवाहीपूर्ण रवैया है। यहाँ पर साई पॉइंट की बात करें तो ट्रैफिक जाम हो जाता है और ये अनायास पुलिस वालों ने जो ये बैरियर लगा के रखा है। तो ये सब समस्याओं के विरुद्ध में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर सरकार लगाम लगाए और बिजली के भावों को तुरंत नियंत्रित करें, पेट्रोल डीजल के भावों में कमी करे। यहाँ पर जो डिंडोली में ये नवागांव में जो ये डिंडोली का जो ओवरब्रिज है, उसके ऊपर फुटपाथ बनाया जाए ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको सुविधा हो। तो इस तरह से सबका ख्याल रखते हुए विकास हो, तब जो बात कह रहे हैं जो सबका साथ सबका विकास, वो सही मानों में सार्थक होगा।